रामनवमी विशेष में आज आप लोगों को हम मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर अरुण खोबरे से, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रामचरितमानस लिखी है। सर, कैसे ये इतिहास रचा आपने? हनुमान जी की कृपा से हो गया, मैं तो सीधा यही कहूँगा। उनकी प्रेरणा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता। 7 अगस्त को ये रामायण लिख के पूर्ण हुई। तुलसीदास जी की जयंती थी उस समय 8 अगस्त 2008 को, जब मैंने इसे कंप्लीट किया तो 149 डेज। शुरुआत किया था 11 मार्च को 2008, और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शनों से मिली प्रेरणा से ही मैं ये कर पाया, और उनके ही आशीर्वाद से ये सारे जो 4 रिकॉर्ड आप देख रहे हैं ये हो पाए हैं। बाकी मेरे जैसे सामान्य से साधारण से इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि ये सब मैं कर सकूँ, तो बस उन्हीं की प्रेरणा से हो पाया। हमने वो रामायण पंजाब केसरी के दर्शकों को दिखाई, काफ़ी बड़ी रामायण है, उसको रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। आपने इतनी बड़ी रामायण लिखी है, कैसे, क्या कुछ तैयारियां की होंगी आपने? इसके लिए मुझे रेड इंक और येलो पेजेस की आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं इसे किस तरीके से कुछ अलग हटके लिख सकूँ। तो ड्राइंग शीट पीले कलर की, पीला हम लोग हल्दी या कोई भी पीली चीज़ को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम शुभ मानते हैं, तो एक तो वो हो गया। रेड इंक से अर्थ ये था कि माता जी की चुनरी लाल, और हम लोग टीका भी लगाते हैं तो लाल लगाते हैं, तो एक वो हो गया। तो येलो पेजेस पे रेड इंक से मैं उसको लिखता था, तकरीबन 10 से 12 घंटे रोज़ लिखा करते थे, क्योंकि सोना भी और अन्य नित्य क्रियाकर्म भी करने होते थे। 170 केजी की और करीब 51 इंच जो है उसकी लेंथ है, और 170 केजी उसकी हाइट है। और श्री राम जो जिस मंदिर को आपने देख के आए हैं, वो लकड़ी का एक मंदिर है, जिसमें हम 4 तरीके से श्री रामचरित मानस को पढ़ सकते हैं। दूर से 2 मीटर की दूरी से भी उन शब्दों को पढ़ा जा सकता है, सामने से, ऊपर से, लेफ्ट से और राइट से। 2 दरवाजे भी हैं उसके, एक सामने से भी है। 4 तरीके से हम उस श्री रामचरित मानस को पढ़ सकते हैं। अगर आज के शब्दों में कहूँ तो ये पूरे तरीके से, इसे क्रिएटिविटी कहा जा सकता है। क्या, कैसे ये क्रिएटिविटी आई होगी कि 4 तरीके से पढ़ने की व्यवस्था इतने बड़े रामायण में की, वो भी एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ के बारे में आपने सोचा? ये उस समय एक, आप समझ लीजिए कि मैं हनुमान जी का छोटा मोटा भक्त हूँ। आज भी जो है मैं खुद से हर शनिवार को माला अपने हाथों से अकोना की माला चढ़ाता हूँ, खुद से सिलता हूँ अकोने की 21 पत्तों को, और हर शनिवार को जाके अपने हाथों से मंदिर में आज भी मैं माला चढ़ाता हूँ, और खुद ही वो पत्ते तोड़ता हूँ पेड़ से, खुद ही उसको मंदिर जाता हूँ, साफ करता हूँ, धोता हूँ, और खुद जो है माला चढ़ाता हूँ। उस समय से मतलब हनुमान जी की प्रेरणा से ये सब कर पाया। तो जो आप आइडिया कह रहे हैं कि 4 तरीके से पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी, जैसे GI टायर तार जो है उससे जोड़ा गया है उसे, क्योंकि यहाँ तागट टूट जाता, रस्सी टूट जाती, क्योंकि 170 केजी का वजन सहन नहीं कर पाएगा कोई भी पॉइंट है हम करेंगे तो उसकी बाइंडिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय हनुमान जी की प्रेरणा से सब होती चली गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे माता पिता की प्रेरणा, आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा, और भी बहुत सारे मेरे छोटे बड़े मित्र हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सहयोग इसमें दिया, जिसकी वजह से मैं ये महान कार्य हनुमान जी की कृपा से कर पाया। इसको बनाने में जो स्याही और पन्ने उपयोग हुए हैं, उनसे जुड़ा कोई किस्सा, कैसे खरीदा आपने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पूछी, बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है कि इसके लिए जो पेन हुआ करता था वो 20 से 30 रुपये, 40 रुपये तक के महंगे पेन हुआ करते थे, और परमानेंट मार्कर के, तो स्याही सूख जाती थी और कुछ ही पेजेस के बाद वो स्याही ख़त्म हो जाती थी। फिर मैं इंदौर से मंगवाया पेन वगैरह, बहुत सारे मैं डिब्बे के डिब्बे मंगवाता था, क्योंकि अच्छा उसमें क्या होता था कि रेड इंक के डिब्बे नहीं होते थे, उसमें बहुत सारे इंक के डिब्बे के साथ रेड इंक होते थे, और मुझे सिर्फ रेड चाहिए। कई बार मैं बहुत सारे शॉप से आता था, पुराने भोपाल, नए भोपाल के, तो बोलते थे कि दूसरे कलर के मिल जाएंगे आपको, रेड तो ख़त्म हो गया, या बोलते थे रेड छोड़ के कोई दूसरा ले लो, मुझे सिर्फ रेड से ही लिखना था। तो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जब यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी कि भाई वहाँ से भी नहीं है, फिर मुंबई से मैं इन चीज़ों को मंगवाता था, स्याही जो है मैं मुंबई से मंगवाता था, फिर वो पेन की उसमें स्याही डालता था, फिर लिखता था।
तो इस तरीके से जो है स्याही मुंबई से बुलवाना पड़ा मुझे, और पेन वगैरह भी, मतलब कुल मिला के उसको करने के लिए मुझसे जो जो भी चीज़ें करनी पड़ती थी वो मैं सब करता था। और उस समय मैं एक धुन में था 149 दिन में कि क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। फेमस होने की कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई मतलब अहम और घमंड नहीं था, बस ये करना है, हनुमान जी ने मुझे ये टास्क दिया है, इस टास्क को पूरा करना है, दैट्स ऑल। कितना खर्च आया होगा अंतिम में अगर मैं ये सवाल पूछूं तो? मैंने वैसे एवरेज नहीं लगाया इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ 40-50 हज़ार के बीच में खर्च आ गया पूरा, कागज और जिस लकड़ी में हमने बनवाया है उसको, पेन और स्याही और अन्य चीज़ों को मिला के, तो 40-50 हज़ार रुपये का कन्फर्म इस इतना खर्च तो आ गया उसको। अरुण जी, श्री रामचरितमानस के विस्तार के लिए आगे भी कोई रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सब करता था, और उस समय मैं एक धुन में था 149 दिन में कि क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। फेमस होने की कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई मतलब अहम और घमंड नहीं था, बस ये करना है, हनुमान जी ने मुझे ये टास्क दिया है, इस टास्क को पूरा करना है, दैट्स ऑल। कितना खर्च आया होगा अंतिम में अगर मैं ये सवाल पूछूं तो? मैंने वैसे एवरेज नहीं लगाया इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ 40-50 हज़ार के बीच में खर्च आ गया पूरा, कागज और जिस लकड़ी में हमने बनवाया है उसको, पेन और स्याही और अन्य चीज़ों को मिला के, तो 40-50 हज़ार रुपये का कन्फर्म इस इतना खर्च तो आ गया उसको। अरुण जी, श्री रामचरितमानस के विस्तार के लिए आगे भी कोई रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसकी रणनीति है, श्री रामचरितमानस को मैं चाहता हूँ हनुमान जी की कृपा से हम एक भव्य रूप से रथ यात्रा के जरिए उस रामचरितमानस को उसमें रखें और भोपाल से उसको काशी लेके जाएं। काशी जहाँ भगवान विश्वनाथ की नगरी है, जहाँ पे सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, वहीं लिखी गई थी। उस पवित्र धरा पर श्री रामचरितमानस को लेके जाया जाए, उस मंदिर में, उस जगह पर, मेरी ये बहुत ख्वाहिश है। और मैं चाहता हूँ इसमें, मैं तो ईश्वर की कृपा से सक्षम हूँ, ले ही जाऊँगा, और लेकिन अगर भक्त चाहते हैं कि उसमें जन सहयोग या कुछ चीज़ें हों तो उनका भी स्वागत है। उसके बाद अयोध्या नगरी वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में ही है, और जिनके ऊपर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी है, तो भगवान राम जब इतने पास में है तो वहाँ कैसे हम छोड़ सकते हैं, और वैसे भी राम मंदिर वहाँ बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि काशी के बाद अयोध्या में भी श्री रामचरितमानस को लेके जाऊँ, और बहुत भव्य रूप से ये सब हो, और मुझे लगता है हनुमान जी कृपा बरसाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस रथ यात्रा में हम लोग जाएंगे, और लोगों का भी सहयोग इसमें मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अरुण, आप कवि भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आपको अरुण अज्ञानी के नाम से जाना जाता है। उन युवाओं को चार लाइनें पंजाब केसरी के दर्शकों को ज़रूर अपनी तरफ से कुछ सुनाइए रामनवमी विशेष पर। जी हाँ, मैं अरुण अज्ञानी नाम से भी कविताएं लिखता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा ऋषभ जी। तो चार लाइनें आपने कही हैं तो वो चार लाइनें मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। कि भावना को मेरी जो नहीं जानता, कि भावना को मेरी जो नहीं जानता, मैं भी उसको अपना नहीं मानता। कि भावना को मेरी जो नहीं जानता, मैं भी उसको अपना नहीं मानता। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।